नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। फर्मन वाले जेपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एग्जिट एग्जाम के बारे में, जो इस वर्ष दोस्तों होने वाला है और गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट है और एग्जिट एग्जाम के लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। इसमें दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लिया गया है, जिससे आपको हेल्प मिले। दोस्तों, ये मेरा सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मेरा दोस्तों पहले से बन चुका है, उसको आप जाकर देख लीजिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही मेरा सीरीज अब हर सब्जेक्ट का चलता रहेगा। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर एक के बारे में। इक्वस एल्कोहलिक सोल्यूशन और वोलेटाइल ऑयल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं दोस्तों उसको? स्पिरिट कहते हैं। स्पिरिट में दोस्तों एल्कोहल पाया जाता है, आप लोगों को पता होगा। दोस्तों, इमल्शन क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं दोस्तों। ओ बाई डब्ल्यू एंड डब्ल्यू बाई ओ, वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर टाइप जो इमल्शन होते हैं दोस्तों, इमल्शन कैन बी डिफरेंशिएटेड बाई, मतलब उसको कैसे डिफरेंस किया जाता है दोस्तों, दो होता है ऑल ऑफ द अबव, इसमें इम्पोर्ट हो जाएगा दोस्तों। मिजिबिलिटी टेस्ट, स्टैनिंग टेस्ट, डाई टेस्ट, तीनों का यूज करके हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों 33 के बारे में। विच इज एनायनिक सर्फेक्टेंट्स दोस्तों, क्या होते हैं? ये होते हैं सोडियम लॉरिल सल्फेट। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। द कंडेंस्ड प्रोडक्ट ऑफ ऑयलिक एसिड एंड इथिलीन ऑक्साइड इज कॉल्ड, क्या कहते हैं दोस्तों उसको? पॉलीसॉर्बेट कहते हैं दोस्तों, इसका सी सही हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। नेम द सस्पेंडिंग एजेंट यूज इन कैलामाइन लोशंस, दोस्तों जो सस्पेंडिंग एजेंट होता है वो कैलामाइन लोशन यूज होता है, उसको क्या बोलते हैं? बेंटोइन बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों, सब फर्स्ट ईयर में, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। बात करते हैं दोस्तों 36 के बारे में। इन नॉन स्टैंडिंग आयोडीन ऑइंटमेंट विच इंग्रेडिएंट इज एडेड टू बाइंड द आयोडीन, इन नॉन स्टैंडिंग आयोडीन ऑइंटमेंट विच इंग्रेडिएंट इज एडेड टू बाइंड द आयोडीन, दोस्तों कौन सा आयोडीन में जो आयोडीन ऑइंटमेंट होता है दोस्तों, उसमें कौन सा इंग्रेडिएंट मिलाया जाता है जो आयोडीन को बाइंड करके रखे दोस्तों? वो होता है एराकिस ऑयल दोस्तों, इसका एक सही हो जाएगा। दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आप बार बार देखेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, बहुत ही आसानी से आप एग्जिट एग्जाम और कोई भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हो दोस्तों उसको क्रैक कर सकते हैं। बात करते हैं 37 के बारे में दोस्तों। विच फैटी बेस इज यूज इन सपोजिटरी, कौन सा फैटी बेस है दोस्तों जो सपोजिटरी में यूज होता है? उसको बोलते हैं कोका बटर दोस्तों, सी वाला सही हो जाएगा। बात करें दोस्तों 38 के बारे में। इन टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट इंजेक्शन, जो इसमें जो वेहिकल होता है दोस्तों, क्या कौन सा यूज होता है? इसमें होता दोस्तों सीसम ऑयल, भी सही हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों 39 के बारे में। विच पार्ट ऑफ पायरोजन एलिवेट बॉडी टेम्परेचर्स, जो दोस्तों कौन सा पार्ट है जो पायरोजन टेस्ट में दोस्तों टेम्परेचर को किया जाता है मेंटेन, उसमें यूज होता है दोस्तों, कौन सा पार्ट है दोस्तों? वो होता है दोस्तों लाइपोपॉलीसेकेराइड। बात करते हैं दोस्तों 40 के बारे में। मिनरल आयर कैन नॉट बी यूज एज ऑयली व्हीकल इंजेक्शन, बिकॉज जो मिनरल आयल होते हैं दोस्तों वो इंजेक्शन में यूज नहीं होते। क्यों यूज नहीं होते उसका ही आंसर देना है, क्योंकि वो टॉक्सिक होते हैं। बात करते हैं दोस्तों 41 के बारे में। इफ द रेड ब्लड सेल्स आर प्लेस्ड इन 5% वेट बाई वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, देन इफ द रेड ब्लड सेल्स आर प्लेस्ड इन 5% वेट बाई वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, देन दोस्तों इसका मतलब है जो रेड ब्लड सेल्स है अगर सोडियम बाई क्लोराइड में हम डाल देंगे तो क्या हो जाएगा वहाँ पर, उसका क्या रिजल्ट निकलेगा? उसका होगा दोस्तों श्रिंकेज ऑफ सेल अकर्स, मतलब दोस्तों जो सेल्स होती है ब्लड की वो सिकुड़ने लगेगी। बात करते हैं दोस्तों 42 के बारे में। हैंडरसन हेसल इक्वेशन इज रिलेटेड टू, जो हैंडरसन इक्वेशन दोस्तों किससे रिलेट करता है? वो बफर सॉल्यूशन से रिलेट करता है। बात करते हैं दोस्तों 43 के बारे में।
हाइड्रोक्सी मिथाइल सेलुलोज इज एडेड इन ई आई ड्रॉप टू, जो हाइड्रोक्सी मिथाइल सेलुलोज होता है दोस्तों आई ड्रॉप में ऐड किया जाता है वो इन्हांस द विस्किटी मतलब उसको गाढ़ा बनाने के लिए दोस्तों किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है, आप लोग पढ़ सकते हैं वीडियो को पोस्ट करके तो आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं 44 के बारे में, कॉन्टैक्ट लेंस आर मेड अप ऑफ, जो कॉन्टैक्ट लेंस होता है दोस्तों वो किससे बना होता है, वो बना होता है पॉलीमिथाइल मेथा के कैरिलेट से, इसका सी सही हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों वन फ्लूड ऑन्स इज इक्वल टू, जो वन फ्लूड ऑन्स किसके बराबर होता है दोस्तों 30 ml के बराबर होता है वन फ्लूड ऑन्स। बात करते हैं दोस्तों 46 के बारे में, डाई ऑक्टिल सोडियम सल्फोसैक्सीनेट इज यूज इन टूथपेस्ट आर, दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा सरफेस एक्टिव एजेंट बी वाला। बात करते दोस्तों 47 के बारे में, सस्टेंस रिलीज टेबलेट इज डिजाइन टू, जो सस्टेंस रिलीज टेबलेट होता है दोस्तों उसको डिजाइन किया जाता है किसके लिए, रिलीज द मेडिकमेंट स्लोली, ये सही हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि मेडिकमेंट दोस्तों जाने के बाद धीरे धीरे वो रिलीज करे अपना जो मेडिकमेंट होता है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों 48 के बारे में, एडिशन ऑफ टेबलेट मटेरियल टू डाई वाल इज कॉल्ड, जो दोस्तों एडिशन हो जाता है जो टेबलेट बनाते समय जो मशीन में या फिर जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ पर चिपक जाता है तो उससे दोस्तों क्या बोलते हैं, स्टिचिंग बोलते हैं। टेबलेट बनाते समय जो प्रोसेस होता है दोस्तों वहाँ पर चिपक जाता है दोस्तों स्टिचिंग बोलते हैं। दोस्तों ये फर्स्ट ईयर में है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। बात करते हैं दोस्तों 49 के बारे में, विच वन ऑफ दीज एन एग्जाम्पल ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स, दोस्तों इसमें से आयुर्वेदिक ड्रग का एग्जाम्पल कौन है, सभी है, आर्क्स भी है दोस्तों, भस्मा भी है और असावस भी है दोस्तों, ये सब सभी आयुर्वेदिक हैं। बात करते हैं दोस्तों 50 के बारे में, विच मशीन इज यूज फॉर मेकिंग सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, कौन सी मशीन है दोस्तों जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बनाने में हेल्पफुल होती है, उसका नाम है दोस्तों रोटरी डाई प्रोसेस। डाई प्रोसेस दोस्तों आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में अगर प्रैक्टिकल किए होंगे तो आप लोग देखे होंगे मशीन वगैरह जहाँ सभी कॉलेज में लगाए जाते हैं जो क्लास किए होंगे बच्चों। बात करते हैं दोस्तों 51 के बारे में, टाइप ऑफ इमल्शन प्रोड्यूस विथ बीज वैक्स, बीज वैक्स जो होता है दोस्तों उसमें कौन से टाइप ऑफ इमल्शन पाया जाता है, इसमें WYO पाया जाता है, वाटर इन ऑयल टाइप का पाया जाता है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों 52 के बारे में, एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी, दोस्तों फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी का एग्जाम्पल क्या है, ये सेकेंड ईयर में है क्वेश्चन, आप लोगों ने देखा होगा फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी, इसका दोस्तों है कैंथर एंड मेंथॉल। फिजिकल दोस्तों ये कैंथर जो कि फिजिकली दोस्तों एवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है। बात करते हैं दोस्तों मॉइस्ट ग्रेनुल्स आर ड्राई एड, जो मॉइस्ट ग्रेनुल होते हैं वो कितने डिग्री सेल्सियस दोस्तों ड्राइड हो जाते हैं, वो 50 डिग्री सेल्सियस दोस्तों ड्राइड हो जाते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आप मिस मत करिएगा। बात करते हैं दोस्तों 54 के बारे में, द लैटिन वर्ड प्राइमो मेंस दोस्तों क्या होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग इसका होता है, ये दोस्तों ये सब जो वर्ड होते हैं लैटिन ये यूज होते हैं हॉस्पिटलों में दोस्तों। बात करते हैं 55 के बारे में दोस्तों, सिंपल सीरम बीपी कंटेन शुगर इन परसेंटेज, सिंपल सिरप बीपी जो ब्रिटिश फार्माकोपिया होता है दोस्तों, बीपी मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, कंटेन शुगर इन परसेंटेज, कितने परसेंटेज शुगर को कंटेन करता है, 85% दोस्तों कंटेन करता है, और जो आईपी होता है दोस्तों वो 66.7 को कंटेन करता है। बात करते हैं दोस्तों विच वन ऑफ दिस प्रेजेंट इन कंपाउंड सल्फर लोशन एज वेटिंग एजेंट, विच वन ऑफ दीज प्रजेंट इन कंपाउंड सल्फर लोशन एज वेटिंग एजेंट, दोस्तों सल्फर जो कंपाउंड होता है सल्फर लोशन जो होता है उसमें वेटिंग के आधार पर क्या कौन सी चीज़ मिलाई जाती है जिससे वो गीला बना रहे, उसका नाम है दोस्तों
बी वाला सही हो जाएगा इसका, क्यूलेलिया क्यूलिया टिंचर। बात करते हैं दोस्तों 57 के बारे में, विच टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट्स है बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक पोर्शंस, इसका दोस्तों जो है नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स। बात करते हैं दोस्तों स्पाइन 18 इज नेम गिवन टू सॉर्बिटॉन मोनोकोलियड, दोस्तों इसका आंसर सी सही हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों 59 के बारे में, हाइपोडर्मिक इंजेक्शंस इज गिवन इन, जो हाइपोडर्मिक इंजेक्शन होते हैं कहाँ पे दिए जाते हैं, सबक्यूटेनियस में दिए जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों 60 के बारे में, फार्मामेजियल ए इज ऑब्टेन बाई, फार्मामेजियल इज ऑब्टेन बाई ये होता है एसिड हाइड्रोलाइसिस के द्वारा, दोस्तों इसका ये सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पहले फर्स्ट पार्ट मेरा 30 क्वेश्चन था दोस्तों, इसमें भी 30 क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो देखने में दोस्तों बहुत बोरिंग लगता है, इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और कमेंट दोस्तों ज़रूर करिएगा किस टॉपिक पर वीडियो बनाए, किस सब्जेक्ट पर वीडियो दोस्तों बनाए। वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।